नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफ स्टडी चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। एक बार से सबसे पहला काम जो होता है, क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स पे आप एडेड हैं, जस्ट डू शेयर इट वंस। सब जगह पे एक बारी से शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ये बात कर लेते हैं, सुनिएगा। सवाल में कहा जा रहा है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का आयोजन किया गया, इसके अंदर भारत की रैंक क्या रही? इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? नंबर 3 पे आपको भारत मिलेगा। आइए जरा बात कर लेते हैं। देखो, पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये है कि ये जो ओलंपियाड है, इसका आयोजन होना कहाँ था? तो इसका आयोजन होना था कीव के अंदर। कहाँ पे होना था? कीव के अंदर इसका आयोजन होना था। कीव किसकी कैपिटल है? यूक्रेन की कैपिटल है। कौन सी नदी के किनारे पर आपको मिलेगी? तो ये आपको कौन सी रिवर के किनारे मिलेगी, जल्दी बताओ। करोड़ों बार पढ़ाई हुई चीज है, गलत नहीं बताना। कौन सी नदी के किनारे कीव की लोकेशन है? लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई, तो इसको शिफ्ट कर दिया गया और इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? जॉर्जिया के अंदर। इसका आयोजन कहाँ किया गया? जॉर्जिया के अंदर इसका आयोजन किया गया। नाइपर रिवर, करेक्ट। कौन सी रिवर हो जाएगी? नाइपर रिवर है, डी साइलेंट है यहाँ पर। ओके, जॉर्जिया के अंदर इसका आयोजन किया गया। जॉर्जिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? तिब्लिसी। इसकी कैपिटल क्या है? तिब्लिसी इसकी कैपिटल है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये आयोजन किया गया तो ये 15th नंबर का था। कौन से नंबर का था? 15th नंबर का था। इंडिया की रैंक कितनी रही? इंडिया नंबर 3 पे था। और इंडिया के साथ साथ नंबर 3 पे और कौन सी कंट्री थी? तो वो थी सिंगापुर। इंडिया के साथ दूसरी कंट्री जो नंबर 3 पे रही वो थी सिंगापुर। तो नंबर 1 पे कौन था? नंबर 1 पे था ईरान। नंबर 1 पे कौन था? ईरान नंबर 1 पे था। तो इंडिया ने मेडल्स कितने जीते? तो इंडिया ने यहाँ पे 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल जो है उनको जीता है। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने 5 गोल्ड मेडल यहाँ जीते। हमारे पेपर में ये नहीं आएगा, हमारे पेपर में रैंक आएगी या फिर गोल्ड मेडल पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं उनके नाम भी आपके लिए यहाँ मेंशन है। कौन है? राघव गोयल है, मोहम्मद साहिल है, देन महलोम बोराड है, मलय है, और आखिरी में कौन है? अथर्व है। इन सब ने जीता है और ये ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। कई बार इनकी प्लेसेस जो है वो भी पूछी जाती है, ठीक। चलो अब बताओ सवाल, इंडिया की रैंक कॉमनवेल्थ गेम के अंदर क्या है? अभी हाल ही में वैसे तो चेस का जो ओलंपियाड का आयोजन हुआ था वो चेन्नई के अंदर हुआ था, और आगे चल के आने वाले समय में 2026 में इसका आयोजन कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान के अंदर किया जाएगा। बट कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या थी? इंडिया नंबर 4 पे आपको मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने थे? 61 थे। नंबर 1 पे कौन था? नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया था। टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या थी? टोक्यो ओलंपिक्स कौन से नंबर के थे? तो ये 32 और ये हो जाएगा 22। ये जो ओलंपिक्स खेले गए थे इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही? इसमें इंडिया की रैंकिंग 48 थी। अगला, सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? दैट इज बोल्ड कुरुक्षेत्र। क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। अगला, टी राजा कुमार ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है कहाँ पे? FATF के अंदर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और याद तो है ना तुमको, क्या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बैठा है और फीफा के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, हद ही किए हुए हैं ये। अगला सुनिएगा, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट किसने जीता? इंडिया ने जीता। ध्यान दीजिएगा, एशिया कप लिखा हुआ है। किसको हराया? श्रीलंका को यहाँ पर हराया है। अगला सवाल क्या है यहाँ पर, 9th विमेन आइस हॉकी का आयोजन कहाँ पर किया गया? वैसे तो आइस हॉकी अगर देखो तो लद्दाख के अंदर होता है ना, लेकिन ये जो विमेन्स वाला है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया। अगला, आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला? मैंने कल भी पढ़ाया था, स्मृति मंधाना को मिला था ये अवार्ड। स्मृति मंधाना का नाम इंपॉर्टेंट है। सैयद मोदी ट्रॉफी अगर पूछा जाएगा तो ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, और पैरा बैडमिंटन का जो सेंटर या एकेडमी बनाई जाएगी, ये एकेडमी कहाँ बनेगी? लखनऊ के अंदर इस एकेडमी को बनाया जाएगा, ठीक है। जीती किसने थी? पीवी सिंधु ने इसको जीता था, राइट। तो ये था अपना आज का सेशन। आई होप कि आप लोगों ने सारी चीजों को नोट डाउन किया होगा। एक बार इसे सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आज हम होमवर्क्स की कटिंग लगाना भूल गए थे, एक्चुअली कल मीटिंग वगैरह थी तो उसमें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया था, टाइम नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पर आपका आज का होमवर्क है जिसमें कटिंग्स आपकी आएंगी। और हाँ,
आज से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है आपका जीके का, और कल से नया बैच आपका आएगा जीएस का, और फिर मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ये सारे सब्जेक्ट आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। और सिर्फ अब आपके पास में 2 ही दिनों का समय बचा हुआ है जब आप 30% डिस्काउंट ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि मैम जब हम प्रति 10 कोड यूज कर रहे हैं तो ये अमाउंट सिर्फ 20% ही कम हो रहा है। बिल्कुल सही बात है बेटा, 10% ये अमाउंट ऑलरेडी कम है। यहाँ पे देखो 10% ये अमाउंट ऑलरेडी कम है, और उसके बाद जब आप कोड लगा रहे हो तो 20% डिस्काउंट आ रहा है, तभी तो टोटल मिला के 30% डिस्काउंट हुआ। आप चाहो तो 1 साल के लिए, चाहो तो 2 साल के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, और यहीं पर आपको क्या मिल जाएगी, क्लास की पीडीएफ के साथ में नए बैच का लिंक भी मिलेगा। ये है मेरी अनअकैडमी पे प्रोफाइल, जाके एक बार चेक करिएगा। ये बैच आपका खत्म हो गया है, नया बैच आज से स्टार्ट होने जा रहा है, और यहाँ पे आपको ये सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। एक बार इसे आप बैच ज्वाइन करोगे आपको ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ ये सारे बैचेस भी आपको एक ही बैच ज्वाइन करने के अंदर ही मिल जाएंगे। आपका सवाल भी पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी होंगे, कोड क्या लगेगा, कोड विल बी कृति 10, ठीक है, कोड क्या है, कृति 10 रहेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी, रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।